देखिए, आज मैं आपको 24 वोल्ट का जो सोलेनाइड होता है उसके बारे में बताऊंगा। उसको खुल के एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें ये कैसे क्या होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं, कैसे इसका लॉक खोल सकते हैं, कैसे हम इसके पॉइंट्स को बदल सकते हैं। तो आइए देखिए, ये है हमारा न्यू ब्रांड का 24 वोल्ट का। ये देखिए, 24 वोल्ट का जो है कॉन्टैक्ट स्विच है, जो कि हमारा लीलैंड वगैरह या टाटा क्यूमिंस वगैरह सेल्फ में जो होता है इस टाइप का ही लगता है। अब इसका काम कैसे होता है तो देखिए, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे दबता है और ये पॉइंट इस पर चिपक जाता है। तो देखिए आप, ये पॉइंट वाला है, मेन पॉइंट है, इस पर आके जैसे ये स्विच लगाएंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ ऊपर से ऐसे चिपक जाएगा आगे से। ये देखिए, आगे से बिल्कुल चिपका हुआ है और पीछे से जो है ये ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन। दूसरी पोजीशन में जैसे ही आपका रूटर स्टे वो सॉरी आर्मेचर अंदर जाएगा और आपका ये जो है ये वाला पॉइंट, ये इसको ऐसे हो जाएगा और ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये होता है इसका असली चक्कर। ये इसमें अटकता है, इस पे पहले पॉइंट में ये ऐसे दबाया, ये पहले यहाँ दब गया और यहाँ से ऊपर रह जाता है और इसमें अटक जाता है इसमें। और जैसे ही आर्मेचर अंदर जाएगा ये अंदर हो जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा और दोनों पॉइंट टच हो जाएंगे और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसका मेन काम होता है ये। अब इसमें होता क्या है, जैसे इसके पॉइंट होते हैं तीन, एक ये, एक ये, एक ये। अगर हमारी कॉइल ठीक है, हीट भी नहीं हो रखी, जल भी नहीं रही है, तो हम इन तीनों पॉइंट को चेंज करके हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर एक ये लॉक होता है, ये वाला लॉक, इसको हम पेचकस के निकाल लेते हैं। जैसे ये इसमें खाँचा होता है, इस खाँचे को ऊपर उठाओ और इसमें लॉक भी होता है एक अंदर, हम उस लॉक को बाहर निकाल लेते हैं। ये थोड़ा हा लॉक ख़राब है, नया स्विच है फिर भी। ये देखिए, ये हमने इसका लॉक निकाल दिया। उसके बाद हम इसको प्लास की सहायता से निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल दिया इसका लॉक और ये इसका स्प्रिंग निकल गया। इसको हम उठा के अलग रख देते हैं और हमारा जो ये पॉइंट पॉइंट है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमने इसको ये निकाल दिया। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, नया ला के डाल सकते हैं। अब एक देखिए, इसका बड़ा रोल है इसमें, ये इसमें स्प्रिंग होता है अंदर, ये जैसे अब ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा और बाहर आ जाएगा। इसके अंदर एक स्प्रिंग भी होता है, ये देखिए, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग इसके अंदर डाल देते हैं और इसको ऐसे दबा देते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब हो ये तो गया हो। अब हम इसके पॉइंट निकाल देते हैं, जैसे ये दो पॉइंट इसमें, एक ये और एक ये वाला, हम इनको चेंज कर सकते हैं। आइए देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे खोल सकते हैं इसको। हम पेचकस की सहायता से इसको हम खोल
खोल भी सकते हैं। तो ये देखिए ये नट है, इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए हमने खोल दिया। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि इनमें जो वाशर हैं, प्लास्टिक वाशर और ये लोहे की वाशर, तो इनका बड़ा ध्यान रखना है, ये ऐसी कैसे ही लगनी चाहिए, वरना हमारा कॉन्टेक्ट स्विच जो है शॉर्ट हो सकता है। और इसके अंदर जो है पॉइंट, देखिए ये हम निकाल देते हैं, पॉइंट निकाल दिया। और फिर इसके अंदर एक ये वाशर होती है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक वाशर है, ये देखिए प्लास्टिक की भोगली, इसमें प्लास्टिक की वाशर है। तो ऐसे करके हम इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट को बदल सकते हैं तीनों, और हमारा स्विच भी रिपेयर हो सकता है। अब क्या होता है इसके अंदर, एक ये देखिए ये इसके अंदर जो स्प्रिंग है, कई बार ये ख़राब हो जाता है, ये जो स्प्रिंग है हम इसको भी निकाल के दूसरा डाल सकते हैं और इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। अब इसमें दो तारे हैं, एक मेन है और एक अर्थिंग वाली है, तो एक को हम इसमें ग्राउंड कर देते हैं बॉडी में और इसको हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका दूसरा पॉइंट भी आपको खोल के दिखाता हूँ, सेम वैसे ही है। आप इसको खोलेंगे पहले, ये देखिए बस ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लास्टिक की वाशर है फाइबर की, इसको ज़रूर लगा के रखना है, अगर ये हट गई तो दिक्कत हो जाएगी, शॉर्ट हो जाता है हमारा। अब ये देखिए हम इसका दूसरा नट भी इसको जो खोल देते थे, ये लिए है, देखो ये पॉइंट भी एक अलग है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर भी वाशरें हैं, प्लास्टिक के दोनों के अंदर एक एक वाशर है, और एक ये फाइबर की पत्ती भी इसके यहाँ लगी होती है, ठीक है ना। तो अब आपने देख लिया होगा कि हम इस पॉइंट इसको कैसे हम खोल के रिपेयर कर सकते हैं। बाकी इसके तीनों ही पॉइंट जो होते हैं ये लगभग यही ख़राब होते हैं, और ये मार्केट में अवेलेबल हैं, 20-30 रुपए का ये आपको मिल जाएगा कहीं भी बाज़ार से। कई बार ये पॉइंट जो है गंदे हो जाते हैं, तो हम इनको रेगमाल या उसकी ब्लेड की सहायता से हम इनको साफ़ भी करें, क्योंकि अगर ये गंदे हो जाते हैं तो कई बार जो है ना हमारा सेल्फ कट कट की आवाज़ करता है, आगे करंट पास नहीं करता, और ये पॉइंट आपस में नहीं करंट पास करते, जिसकी वजह से सेल्फ में कट 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 की आवाज़ आती है। तो दोस्तों अब आप देख लिया, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम इसको वापस जो है फिट कर देंगे। पहले हम इसकी ये पत्ती लगा देंगे, ये जो तिरछे वाला पॉइंट है ये हमेशा पीछे होता है,
ये नट लगाते वक्त जो है इसमें वॉशर ज़रूर लगानी है अंदर, वरना आपका शॉर्ट भी हो सकता है। एक ये पत्ती इसमें लगेगी और ये पॉइंट जो है इसमें यहाँ पे लग जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि इसके अंदर के जो प्लास्टिक के वाशर है वो भी लगाना, और ये जो फाइबर के वाशर दे रखे हैं नट पे ये भी ज़रूर लगाना। इसको बड़ा ध्यान से टाइट करना है, या बिल्कुल एकदम टाइट होना चाहिए, अगर लूज़ रहेगा तो आपका करंट पास नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये छोटा स्प्रिंग यहाँ डाल दीजिए पीछे, और इसको आगे करके, और हमारा जो है ये पॉइंट भी ये देखिए और इस पे ये स्प्रिंग लगा के, और ये जो है लॉक हमारा और इसका ये लॉक इसमें ये हमारा स्विच तैयार हो गया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।